कई दिन तो देखा जा रहा है कि SFJ यानी कि सिख फॉर जस्टिस वालों कई तरह दियां भड़काऊ कालां ने जिहड़ियां पंजाबियों नूं आ रही ने, और चाहे किसी भी तबके के लोग होण उन्हां दे उत्ते एक तरह का इस तरह का माइंडसैट किया जा रहा है कि असीं पंजाब नूं वक्ख कर देंगे, इंडिया नूं तोड़ देंगे। इस तरह की घटिया सोच ते शब्दावली है जिहड़ी उह वरती जा रही हैगी है। ते हुण जे कहा जावे हालांकि SFJ नूं पहलां इंडिया गवर्नमेंट ते पंजाब गवर्नमेंट बैन कर चुकी है, पर उसके बावजूद इस तरह दियां कॉलां आउणियां, इस चीज़ नूं लैके हुण जिहड़ा मामला है उह हाईकोर्ट पहुँचदा होया दिख रहा है। ते PAL विक्रमजीत सिंह वकील ने साडे नाल, उन्होंने दाखिल की आ। विक्रम जी, देखा जाए कह सकते हैं कि बेहद घटिया सोच ते एक जिहड़ा पूरा जे कहीए साडे ताणे बुणे नूं चैलेंज करदी इह कॉलां आ रहियां ने, खतरा ने आने वाले टाइम दे? बिल्कुल जी, बहुत वड्डा खतरा आ। किसी भी स्टेट दे विच रिलीजनिज़म जिहड़ा आ उहनूं तुसीं बढ़ावा दोगे ते उहदे नाल सिर्फ ते सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही आउंदी आ। डेमोक्रेसी दे विच सारे लोकां दा अख्तियार जिहड़ा बराबर आ, उहदे ते कोई कास्ट रिलीजन या कास्ट रिलीजन सैक्स किसी दे बेस ते तुसीं किसी नाल डिस्क्रिमीनेशन नहीं कर सकदे। सिर्फ तुसीं इक सिर्फ पंजाब कल्ला पंजाबियां दा नहीं आ, पंजाब उन्ना ही हिंदुआं दा आ, पंजाब उन्ना ही ईसाइयां दा आ, पंजाब उन्ना ही मुस्लिम दा आ। जे तुसीं इह कहिंदे वी सिर्फ पंजाबी ही एक सिख बंदा ही पंजाब च रह सकदा है, ते इहदे तुसीं आउण वाले दिनां च दंगे कराउण दी साजिश कर रहे हो पंजाब दे विच। पंजाब अगे ही बड़ी मार झार च अगे पंजाब नूं बहुत मार पै चुकी है। पंजाब इहो जी एक नवीं स्थिति वास्ते तैयार नहीं हैगा। ते जिस तरह दे नाल विक्रम जी तुसीं वी देखिया होणा कि कॉल्स दे उत्ते बहुत शब्दावली है जिहड़ी भड़काऊ शब्दावली है, हो सकता भी जे 100 बंदे नूं कॉल जांदी है, हो सकता 10 बंदे उच्चों सोचण लग जांदे होण कि यार कितें इह बंदा सही तां नहीं कह रहा हैगा, लगातार कॉल्स जाणियां। समझदे हो इहनां ते रोक लाउण वास्ते कितना कितें टैक्नोलॉजी दा बेशक सहारा लैणा पवे, पहलां कर लैणा चाहीदा सी? बिल्कुल, सरकारां नूं पहलों कर देना चाहीदा सी, क्योंकि इह कॉल्स पिछले 3 महीने तों आ रहियां ने। इह मैं नहीं मन सकदा भी इह अपनी IB नूं जां अपनी इंटैलीजेंस नूं इह गल पता ना होगी कि कॉलां आ रहियां ने, पर फिर भी इन्होंने उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। सिर्फ एक गल कह देनी मीडिया जाके जी असीं बैन करती है SFJ, बैन कर दी है, वो तो काम कर रही है। उन्हों का मेन मंतव तो एक गर्म खून नूं पछानना आ पंजाब दे विच, और उन्हों तैयार करना आ एक ऐसी सोच दे के भी वो सिर्फ तो सिर्फ उन्हों के दसे हुए हुक्मों की पालना करे, और वो इस फोन कॉल के दौरान ही चैक करी जा रहे हैं हर बंदे का। जिहड़ा बंदा ये फोन सुनता आ, जिहड़ा बंदा तो नहीं इत्थे केयर करता वो तो डिलीट कर दिंदा आ, जिहड़ा बंदा थोड़ा बहुत सोचता आ इहनूं फोन करता आ, फोन करता आ उहते बकायदा वीडियो ID लगी हुई है, उहते तुसीं तुहाडा नंबर मांग तुहाडा नाम मंगदे आ, और फिर वो तुहानूं भी करदे आ। जब शहीद होए कह सकदे ती आ उह मैं अपने सोल्जर की सपोर्ट नहीं करता, वह बंदा पंजाबियों नूं कुछ कहण दा ते हकदार ही नहीं हैगा। दूसरी गल, आप तुसी पूरे सिख नहीं हो, आप तुसी पूर्ण सिख नहीं हो, आप तुसी अमृत नहीं छकिया, आप तुसी वाल नहीं रखे, आप तुसी दाढ़ी नहीं रखी, लोगों ने तुसी पंजा उस मुद्दे ते तुसी पंजाब नूं अलग करन दी गल कर रहे हो, किड्डी वड्डी आयरनी है। पहले तुसी आप ते पूरण सिंह सगो, फिर ही लोगों नूं इस सिखिज़म दा नारा दिओ। ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, FIR ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰਮ ਖੂਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤ ਇਨਪੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ 1984 ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ PL ਦਾਖਲ ਕਰੀ ਆ, ਅਸਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਨੂ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਓਪਨਲੀ ਡੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ CM ਨੂੰ PM ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਔਰ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਪੈਸਾ ਔਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਆ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਕੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆ,
और कोई टेक्नोलॉजी की घाट नहीं है, सिर्फ और कोई इको घाट आ लोगों की, पंजाब के लोगों की, क्योंकि पंजाब के लोग हाले भी कोई मने ना मने हाले भी ये इन राहों पर तुरन वास्ते तैयार नहीं है। पर बेरोज़गारी तो कोविड ने इस चीज़ को होर सीरीयस बनाता। जिहड़ा बंदा कोई बेरोज़गार घर बैठा आ उन्हूं जे 10-20 हज़ार रुपया महीने का ऑन डेबूगा बाहरों और को तो जो मर्जी करा लो और को और रजिस्ट्रेशन करन तो बाद एर को होर वो डाटा आजूगा भी केड़ा बंदा मेरे इशारियां ते चल सकदा आ केड़ा बंदा नहीं चल सकता। और एक भी इंसीडेंट पंजाब दे विच हो गया तो पंजाब चाक वो लगेगी जिहड़ी कदी बुझाई नहीं चलती। तो फिर हुण इह सारियां चीज़ां नूं लैके तुसीं कोर्ट दे अगे जाण दा मेन मकसद की, क्योंकि इह सोच सब नूं पता है भी इह खतरनाक सोच लैके एक बंदा चल रहा, फिर कोर्ट तो तुसीं किस तरह की अगे सपोर्ट चाहते हो कि आखिर किस तरह की सख्त डायरेक्शन होनी चाहिए, जिहड़ी पी एल दे रस्ते तुसीं एक तरह की डिमांड रखी है या ग्राउंड बनाया उहदा? देखो पी एल पहले तो मैं तुहानूं इह गल दसना चाहुंदा भी वेखो मैं हैरान हाँ भी किसी भी पोलीटिकल लीडर ने किसी भी पंजाब के बंदे ने ये अगेंस्ट कोई आवाज़ नहीं चुकी। अल्टीमेटली मैनू पी एल फाइल करनी पई, कोई भी बंदा एडे वड्डे ताकतवर बंदे ना मत्था नहीं लाना चाहता, मैं भी नहीं सी लाना चाहता, मेरा भी घर परिवार आ, हर बंदा डरता है। पर जो कोई नहीं आया फिर मैं सोचा असी सारी उम्र इसे पंजाब च ही रहना है तो इतने जो कोई गलत गल हो गई वह फर्क कल साढ़े बच्चों पर भी पाऊगा। लोगों को यह गल सोचनी चाहिए है और लोगों इन्ना ये यहोजी मानसिकता दे अगेंस्ट लोगों खुल के बोलना चाहिए, कोई डरन की लड़ नहीं हैगी, कुछ नहीं कर सकते। ये जे जे असी पंजाब के किसी चंगे काम वास्ते अपनी शहादत भी दे देंगे तो कोई गल नहीं, हाँ सानू मंजूर आ। तो असी यो गल पंजाब च लिखी पी ए एल च लिखी है भी इनू सख्त कार्रवाई करनी चाहिए है, पहलों यदि रेफरेंडम रोको, फिर यदियाँ कॉल्स रोको, इनू एक्सट्राडाइट करो, फिर वेखांगे भला भी ये इतने आके गल कोई करता है पंजाब नू अलग करन दी। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह के लगातार कॉल्स का सिलसिला लगातार जारी है तो हुण मामला कोर्ट के पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि विक्रमजीत सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पहले ये तो कोई कार्रवाई सख्ती के तौर पर जो रोकने वास्ते कोई अगे नहीं आया तो मजबूर उन्होंने हूँ पी एल दाखिल करनी पई है। तो हम लगा कि देखना होगा कि अगे पी एल न लैके अगे कोर्ट का की रुख रहा है, पर इन्ना जरूर है कि जिस तरह के नाल एक सोच के नाल खतरनाक सोच के नाल जो लगातार कॉल्स की जा रही ने या रेफरेंडम की गल की जा रही है वो उत्ते कल कोई असर ना पवे तो सख्ती करन की बेहद लोड़ बन चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के नाल सुमित जोशी, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़।